और आपने कब सीखना शुरू किया, मतलब कुछ ऐसा वाकया रहा होगा जिससे आपको लगा होगा कि मुझे सीखना चाहिए संगीत? मेरा शरीर झारखंड का है, झारखंड में यूपी के बॉर्डर पे जी, मतलब ज़्यादा करीब यूपी के है वो गढ़वा। वहाँ से मैं 14-15 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास करके प्रथम श्रेणी से अयोध्या आ गया, रामायण देख करके कि वहाँ का कितना अच्छा माहौल है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ पाया नहीं। हाँ, लेकिन संगीत का धरोहर मिला मुझे यहाँ आने के बाद। श्री हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली, ध्रुपद सुरों को कैसे लगाना है, यमन में गांधार कैसे लगेगा, तोड़ी में ऋषभ कैसे लगेगा, और जैसे धेनु की आवाज़ निकलती है दरबारी में वैसा गांधार लगना चाहिए, गांधार और धैवत आंदोलित हैं, कौशी कान्हड़ा कैसे गाना है, रामकली कैसे गाना है, बुनकली कैसे गाना है, भैरवी कितने प्रकार से गाए जाते हैं, इन सबों को बृहत रूप से उन्होंने डांट डांट करके हमें सिखाया। पहले तो डांट के भगा दिए थे, बाद में बहुत मशक्कत से उन्होंने अपनाया, क्योंकि गुरु के ऊपर है, वो गंडा बांधेगा कि स्वीकार करेगा कि नहीं आपको, सही, बिल्कुल, आपको शिष्य के रूप में। तो फिर हमने भी लगन से सीखा, क्योंकि बड़े शौक से मैंने सीखा, और फिर शिवरंजनी का मैंने 2-3 महीने अभ्यास किया, रागनी शिवरंजनी का, बड़ा मन लगता था उसमें, तो उससे वैराग्य मेरे अंदर आ गया, फिर मैं साधु हो गया। थोड़ा सा शिवरंजनी सुना दीजिए इसी बात पे। दर दर नर र ता री र न रे रे द र, ये शिवरंजनी का। सर ग पद स द प ग रे ग ग पद सा रे द स पद ग प रे ग स रे ध ग रे ध सा। क्या बात, शिवरंजनी का स्वरूप है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे नैना सावन भादो शायद, बिल्कुल मिश्र शिवरंजनी में है। अच्छा, क्योंकि उसमें और रागों का छाया दिखता है।